That's enough, मालवी. मैं इतनी देर से खड़ा होकर सुनता जाना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा. हाँ, और तुम मुझे चुप करा के मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो, है ना? तो और क्या करूं मालवी, तुम मुझ पर, मेरी फैमिली पर गलत इल्जाम लगाते रहोगी, बेहुदा चीजें बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा, क्या करूं मैं? राहुल, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? तुम जानती हो कि मानवी किस दौर से गुजर रही है, तुम इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, देखा तुमने, अब भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है. देख ही रही हूँ राहुल, मैं कल रात से यहाँ लोगों के बदलते चेहरे, उनके बदलते रंग देख ही तो रही हूँ. मम्मी जी, जब आपको नजर आ रहा है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि आपने मेरे साथ कितना गलत किया? आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए. तुम होश में हो? तुम क्या बात कर रही हो? किस चीज की माफी? क्या किया उन्होंने? एक मिनट राहुल, मानवी, मेरी किस गलती के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? अच्छा, अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो, तो आई एम रियली सॉरी. मॉम, आंखों पर पट्टी बांध ली क्या? जब कुछ किया ही नहीं है तो किस बात की सॉरी मांग रहे हैं? क्यों बिगाड़ रहे हो उसको? क्यों सर पे चढ़ा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है. बड़ी बात नहीं हुई है? इस घर में किसी पे हाथ उठाना बड़ी बात नहीं है राहुल. इस घर की बहू पे हाथ उठाना बड़ी बात नहीं है. मानवी, मैंने तुम पर हाथ? बस मम्मी जी, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, लेकिन आपका एक झूठ. एक मिनट मम्मी, बिना बात के मेरी मॉम के ऊपर इल्जाम मत लगाओ. मैडिया, तुम क्या बोल रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो सच है राहुल, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं ये सच्चाई पहले क्यों नहीं देख पाई. मैं क्यों छुपाती रही तुम लोगों के राज को? जब तुम्हारे पापा ने मेरे बाबा का करियर खराब किया, मैं तब चुप रही. जब तुमने बाघ बनके मुझे मारने की कोशिश की, मैं तब चुप रही. इन सब के बावजूद मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारी ढाल बनके राहुल. शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी. अगर मैंने तुम्हारी ढाल बनके तुम्हें सपोर्ट ना किया होता, तो आज मेरे दादा जिंदा होते. मेरे दादा की जान नहीं जाती आज. मानवी, मैं जानती हूँ तुम ये सब गुस्से में कह रही हो. तुम ये दिल से कह ही नहीं सकती. तुम राहुल से बहुत प्यार करती हो. प्यार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मम्मी जी, और इसका नतीजा मैं भुगत चुकी हूँ. मेरे भाई ने अपनी जान दे दी. प्लीज मानवी, मैं तुम्हारे आगे हाथ. मॉम प्लीज, किसी के आगे गड़गड़ाने की कोई जरूरत नहीं. आई डोंट केयर. मुझे बात करने दो राहुल. मैं जानती हूँ तुम राहुल को कितना प्यार. मम्मी जी, पीछे हटो तुम. राहुल, मैंने जानबूझ के नहीं किया. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कब से मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में बकवास पे बकवास करते जा रही हो. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हद होती है. ठीक है मानवी, मुझसे बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें, मेरी मॉम से, मेरे डैड से, सबसे. मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें. तुम्हें जहां खुशी मिलती है तुम बाहर आओ. प्लीज, आई बेग ऑफ यू. अब तो ये मेरा. अंधेरी रात में अकेली लड़की, उत्तरी की ये तो जबर माल है बे. तो फिर अच्छे काम में देरी कैसी? चला. आप लोग? हम आपके शुभचिंतक. वैसे आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हैं? ये रास्ता अच्छा नहीं है. राहुल, दादा, सबने मेरा साथ छोड़ दिया. राहुल ने दादा का विश्वास नहीं किया. मेरे दादा ने कुछ नहीं किया. अरे तो हो क्या गया मैडम आपके साथ? मेरे दादा ने कुछ नहीं किया. मेरे दादा बेकसूर हैं. भाई? तो वो आपका भाई है? आप मेरे दादा को जानते हैं? जानते हैं? अरे आपके दादा ने ही तो हमें भेजा है. हाँ? आपको लाने के लिए. आपके दादा आपसे मिलने के लिए आपकी वेट कर रहे हैं. आइए. मेरे दादा मुझसे मिलना चाहते हैं? हाँ, आपसे ही मिलना चाहते हैं. उन्होंने ही तो बुलाया, हमको भेजा है. कहाँ है वो? चलिए आइए ना, मैं आपको लेके चलता हूँ. पास में ही मेरी गाड़ी है. चलिए आइए.
मैं जानती हूँ तुम राहुल को कितना प्यार प्यार मॉम खबरदार, अगर तुमने मेरे दादा की अर्थी को हाथ भी लगाया तो मेरे दादा की अंतिम यात्रा में उनके शुभ चिंतक उनकी अर्थी को कंधा देंगे, ना कि तुम जिसने मेरे दादा का खून किया है। आइए मैडम जी, बाहर आ जाइए, आइए आइए आइए, यहीं पर है, आइए आइए मैडम, यहीं आपके दादा, आइए आइए। दादा यहाँ है? आइए 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 मैडम जी, अंदर है आपके दादाजी। मेरे दादा यहाँ है? हाँ मैडम, चलिए ना ऊपर। यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। इंतजार? अगर वो यहाँ होते तो घर पे पता होता। अरे चुपचाप चलती है कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगी। अरे चला। मैं नहीं जाऊंगी। कौन है ये लड़की? लगता है ये लड़के परेशान कर रहे हैं इसे। आइए आइए मैडम, वो आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने ही भेजा है मैं आपको लेने के लिए। अरे ये तो मानवी जी है। मानवी जी इन गुंडों के साथ? लगता है हर्ष की मौत का सदमा लगा है इसे, पता नहीं ठीक से सोच समझ पा भी रही है या नहीं। हर्ष ने भले ही प्रतिमा के साथ जो कुछ भी किया हो, पर मैं एक और लड़की की जान खतरे में देख के चुप नहीं रह सकता। मुझे राहुल सर को बताना ही होगा। ये राहुल सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या है जॉय अंकल? अच्छा वो सर आपने फोन उठा लिया। सर यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। सर वो मानवी मैडम। अंकल मुझे मानवी के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर आपने मुझसे मानवी के बारे में बात करने के लिए फोन किया तो प्लीज मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है, और अगर किसी और बारे में बात करनी है तो प्लीज मैं आपसे दिन में बात करूंगा। मैं भी ठीक नहीं हूँ सर। लेकिन मानवी मैडम को मैंने जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मानवी, उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। टू हेल्प विद यू। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? सर अभी अभी मैंने देखा कि मानवी मैडम के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी कर रहे थे। वो उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे सर। कहाँ पर? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मैंने यही बताने के लिए तो आपको फोन किया था सर, लेकिन आपने सुना ही नहीं।